हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये भी वीडियो जो है मेरे बहुत अच्छी दोस्त की है, जो यही इसी चैनल ने मुझे दी है। तो उनका नाम है जीत और उनकी वीडियो का नाम है जीत मनोगत। मनोगत इसका मतलब मन से जो कह जाता है, मन में जो बोलते हैं उसे मनोगत कहते हैं। तो मन से जो भी कहते हैं, हमारे मन में जो भी होता है हम बोल देते हैं, बता देते हैं, उसे मनोगत कहते हैं। तो पहले भी वीडियो जो है रिएक्ट की है, मैं बहुत लंबे समय के बाद इनकी वीडियो रिएक्ट कर रही हूँ। ज़्यादातर ये वीडियोस मराठी में होते हैं और बहुत मीनिंगफुल, बहुत अलग तरीके की वीडियोस बनाते हैं। और इनके अभी हाल ही में इंटरव्यूज़ वगैरह भी हुए हैं। तो ऐसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करो जो अलग तरह की वीडियोस बनाते हैं, अलग तरह की रैपिंग करते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं जो सोसाइटी के रिलेटेड होता है या फिर सच बात होती है। तो आज की इस वीडियो में क्या मन से कह रहे जीत देखेंगे। आई होप कि ये सॉन्ग मराठी में हो सकता है, मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं फटाफट ये सॉन्ग है कैसा। स्टार्ट। कुछ तो भी अलग। हाँ, डोक्यात विचार म्हणून रात्रीला झोप कमी, आपलं पण वाजेल ना हीच एक हाऊस मनी। लाखांची स्वप्न पातळ खिशा जरी रोग कमी, सुखाचे दिवस येतील देतो स्वतः रोज हमी। खूप जणी आल्याने गेला आयुष्यात, पाहिजे होती खरी तेव्हा सोडलेली त्यांनी साथ। दोष नाही देत कोणा माणसाचा मूळ स्वभाव, गरज मागली की शोधतात नेहमी दुसरी वाट। बंगला कार एसी हवय पाहिजे तशी, हा वाट बोलायला बरं पण मागे किती बिटी। मेहनतीचा दर महिना ना चुकता भरतोय हप्ता, तरी नाही लागली मला अजून सुखाची ती भीशी। हातात वेळ कमी जेवढं जमते पटपट करणारे, कल्पना केली तरी अंगावर येतात शहारे। सर्वात मोठं दुःख याशिवाय दुसरं नसणारे, की डोळ्याने आई वडिलांना होता न बघणं म्हातारे। होते याची एक लाइन मराठी में कही कि बहुत बुरा लगता है कि हम अपने आंखों से अपने माँ बाप को जो है बूढ़े होते हुए देखते। मतलब हर कोई किसी की लाइफ में ये फेस आता है। ये लाइन के बाद लिटरली मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा है, क्योंकि ये लाइन इतनी ज्यादा हार्ट टचिंग है कि पता नहीं क्यों मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ये आधे ही गाने में मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, बस कंट्रोल कर रही हूँ खुद को कि रोना नहीं है। ठीक है, आगे वीडियो में पता नहीं अभी ये जीत रुला ही देगा शायद से। ठीक है, देखते हैं आगे। हास्य फक्त देखाव्यासाठी, बाकी बाहेरील देह हा तर नावापुरता राहिला। मी रॅप नाही लिहित ही तर खरी माझी व्यथा, दिलो तरी पण चालते जणू काही बाटा। गाठाचे शिखर पण पाय जमिनीवर, लोकांचा विश्वास जिंकून जणू काही ताटा धरला। वेगळा हा रस्ता तर चार लोक बोलणार, केकड्याची जात मग पाय तुझे उडणारच। आजूबाजू असू देत किती पण चिकल, पण वेळेवर त्यातूनच कमल तर फुलणारच। मी राहिलो त्या झोपडीत, मी पाहिलंय ती चाळ, आज गच्चीवरून बघतो मी होताना सकाळ। मी पण जगतोय माझ्या आईसाठी जसा डिवाईन, तू तर विजलेला दिवा जणू दीपक कल्लाल। हे गाणं पहिली लस, दुसरा डोस अजून बाकी आहे, कळेल कोण डॅडी इथे चुकीला ना माफी आहे। गाडवांच्या शर्यतीत नव्हतो आधीपासून, इथे स्पर्धा चालू खरी स्वतःशीच आहे। वाट वाईट काय, लोकांना कला माहित नाही, नाते वाईट बोलतात पोरगा कामावर का जाईल। इसमें जो है अभी तक कह रहे हैं कि हम लीग से कुछ हटके करने चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती ही है, और बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और ख़ासकर तब जब इंसान चौल में रहता है। मतलब समझ में पाता है कि अगर कोई चौल वाला बंदा है, अभी भी मैं भी चौल में रहती हूँ। मैंने भी ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की, मुझे हालांकि एक साल हो गया ये इस पर लोग अभी भी मुझे ट्रस्ट नहीं करते, अभी भी मुझे वो उस नज़र से नहीं देखते कि हाँ इसमें भी कुछ है करके। मुझे बार बार ये पूछा जाता है कि तू जॉब नहीं करती, तू जॉब पे नहीं जाना है करके। मतलब
किसी को ये एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि हाँ इसी पे भी कुछ है करके, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है जब अगर आप कुछ लीक से हटके करते हो। आगे देखते हैं, आगे काय वाट बर जेव्हा आयफोन वर विचारते टीव्ही वरती मुलाला माझ्या, तुम्ही पाहिलत का लेखनीतून जगण्याला मिळाला अर्थ, जो मी घालवला वेळ नाही गेला तो व्यर्थ, ज्याने पाठीमागे बोलून मला केलेलं ब्लॉक आज स्वतःहून जाऊन मला करता सर्च, इथे कोण नाय कोणच लोणच प्रवीणच दुसऱ्यांची लाल मेहंदीच्या कोणच करतात ऐकून एका दोनच, यांना फाट्यावर मारून मी करतो मंच, जीवनाला मिळाला हा नवीन आकार जेव्हा सोडलं मी करणं चार लोकांचा विचार, नसतात दुःख त्रासात यातले कोणी सुद्धा एक, जेव्हा खरा खुरा पाहिजे असतो आपल्याला आधार, थोडस पाणी आणू शकता पण सागराला नाही, हा तर ग्रँड प्रीमियर अजून फिनाले झाला नाही, मी तर दशरथ मांजी तोडून डोंगर बनवतोय, हा रस्ता बांधून दुसऱ्यांकडून घेतला अकबर ताजवाला नाही, जुवाची पत्रिकाच्या वयात मी जुळतो यम, ही फॉप पहिली गरज त्याच्याशिवाय नाही जमत, बनायच्या सर्वांना तारा इथे गर्दीतून निघून, मी तर ध्रुव तारा माझी वेगळी असेल ओळख ना भनक, चालायचं अजून बरच बोलायचं खूप आहे म्हणून नाही ठेवला कोरस, सारखं स्वतःला सिद्ध करणं मी दिलं सोडून भावा माणूस आम्ही ना प्रमेय पायथा गोरस, मध्यमवर्गी जन्मलो तर गरिबीतच अंत का, पैशासाठी धावपळ मग मनामध्ये खंत का, त्याची प्रवचनातून उत्तर साऱ्यांची आज देतो रॅप मधून, मी कलियुगी संत हा बंडायबाची बम्मा हे ऐकता जे ना खर्राय, मी बोलतो जे पण काही तुझ्या कानासाठी बर्राय, करत राहीन सदा जणू कृष्णेचा प्रवाह, हे बाकी रॅपर पावसाळा पुरताचे छोटे झर्राय, जगमग गाण्यामध्ये मला नाही शोभत, धावपळ चालू रोज ध्येय माझं शोध, वाटते भीती रोज उद्या झालो कधी मोठा, तेव्हा आई वडील तुम्ही असाल का माझ्या सोबत, प्रत्येक शब्दात माझा जीव श्रेय रक्तरूपी शाहीला, हिप हॉप माझा श्वास कलेला जन्म वाहिला, ब्रो अजित तू जिंकलेला आहेस। रॅप म्हणजे काय? कानाला सुन्न करण्यासारखं, मनाला टोचल्यासारखं, डोक्याला एकदम भिन्न असा विचार करायला लावलेला आहे तुझ्या रॅपने। खूप आगळा वेगळा रॅप आहे। तुझं रॅप ऐकून मला रडावंस वाटलं। का? कारण मला ते रिलेट झालं। पण त्रास तेव्हा होतो जेव्हा आपल्याला ती गोष्ट करायची आहे जी आपल्याला करायचीच आहे आणि ती करण्यासाठी खूप मेहनत लागतेच, पण खूप त्रासही होत असतो आणि खूप वाईट परिस्थितीतूनही जावं लागतं। तर हा तोच अनुभव करून देणारा आहे की काय चाललंय लाईफ मध्ये करून। खूप काही जणांना ना म्हणजे असं मतलब ना, बहुत लोगों को ना ऐसे मन की बात बोलने के लिए नहीं आती, ये सच्ची बात है। अगर कोई मुझे बोल देगा ना कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो मैं ये गाने के थ्रू बता सकती हूँ कि ये रियलिटी है करके। और ये गाने का जो मीनिंग था ना मनोगत, वो एकदम वैसे ही था जैसे नाम था, वैसे ही टोटली पूरा गाना है। अगर कोई स्ट्रगलर है तो अगर ये सॉन्ग सुने तो वो सच में रो पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं तो ऐसे ऐसे जो चीजें है रिलेट होने लगती है। और एक अजीब तरह का सुकून भी मिलता है कि हाँ चलो है लाइफ में करना ही है करके। बहुत अच्छा लगा आपका
बहुत अच्छा लगा मुझे रैप सुन के, मुझे ये फील कराने के लिए थैंक यू कि हाँ तुम जैसे लोग भी है जो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने सपनों के लेके, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच हमारे जैसों के लिए ये रैप बनाने के लिए, और आप आगे भी बनाते रहिए और मैं ऐसे रैप को प्रमोट करती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाते जाते इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।